नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर कहा, अरविंद केजरीवाल को मौन साधे 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हीं के आधिकारिक आवास पर जब वो मौजूद थे तभी उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की, जो कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद है। मैं हैरान हूँ कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। कल संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि ये घटना सत्य है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इस घटना की निंदा की है। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं शॉक्ड हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार 2005 के रुतबा में है और वो जंगलराज को आने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं क्योंकि उनके साथ कोई वोट नहीं है, अति पिछड़े सभी भाजपा के साथ हैं। देखिए, तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़े सब बीजेपी के साथ है। इसीलिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मुख्यमंत्री आवास में ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे तो वो सामने आकर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। वो जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना को 50 घंटे हो गए हैं, संज्ञान लेने में कितना समय लगता है। अरविंद केजरीवाल के सामने ये घटना घटी है और वो खुद संदेह के घेरे में है। आवास के अंदर ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे तो मुख्यमंत्री सामने आके अपनी चुप्पी तोड़े, उन्होंने चूड़ियाँ क्यों पहन रखी हैं। जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए दोषी कौन है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जवाब दें। 50 घंटे हो गए इस घटना को घटे हुए, कितना टाइम लगता है संज्ञान लेने में जी। एक फोन करना है पुलिस को, शिकायत करनी है, लेकिन खुद क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये घटना घटी है और वो खुद संदेह के घेरे में है इसलिए अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं पे अत्याचार करती है। जब उनके सांसद संजय सिंह जिस बात को मान रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर में अभद्रता हुई है, उसके बाद वो बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ता, पुलिस को जांच करनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को चुप्पी तोड़नी चाहिए। नीम का थाना कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया, 10 लोगों को बचा लिया गया है, 5 लोग अभी भी अंदर हैं। बचाए गए लोगों को अस्पताल भेजा गया है, बचाव अभियान अभी जारी है और उम्मीद है कि अगले 2-3 घंटों में बचाव अभियान पूरा हो जाएगा। इसकी जांच की जाएगी ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो। लिफ्ट करीब 200 मीटर की ऊंचाई से गिरी थी। 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और शेष 5 लोग अंदर और हैं। 10 को हॉस्पिटल्स के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच सीएमएचओ और पूरी टीम ने की थी और उसके बाद जो इंजरीज उनको नजर आई उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे रेफर कर दिया गया है। शेष 5 लोग और हैं और उनके रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि 2 से 2.5 घंटे में वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अंदर हुआ है ये घटनाक्रम और अंदर क्या कैसे हुआ था, ये जो लोग हैं जो सर्वाइव किया है, यहाँ का मैनेजमेंट है, उनको भी मालूम है कि क्या कॉज रहा है और जांच भी जो वो खुद संपादित कराएंगे जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, उस समय ये चीजें आपके सामने आएंगी। ये जो मुझे बताया गया कि माइंस जो है, जैसे जहां अभी हम जिस लेवल पे खड़े हैं यहां से लगभग ये हम समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष लगातार अमेठी और रायबरेली को गुमराह करने का काम कर रहा है, जिसकी सजा अमेठी की जनता ने इन्हें 2019 में दे दी थी और रायबरेली की जनता 2024 में देगी। जब कांग्रेस के युवराज अमेठी हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। देखिए, रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी का ढोंग करके रायबरेली अमेठी को लगातार यह गांधी खानदान गुमराह करने का काम किया है, पाप किया है, जिसकी सजा अमेठी की जनता ने दे दिया है 2019 में और रायबरेली की जनता 2024 में देगी। जब कांग्रेस के
युवराज या सरदार श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। सर आज बैठ आज प्रेस